नमस्कार, मैं नितिन शर्मा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम 11th क्लास की कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। यदि कोई बच्चा कॉमर्स को सब्जेक्ट को चुनता है, ठीक है, तो उसके पास क्या होता है कि भाई तीन सब्जेक्ट उनके पास होती है। वो तीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना क्या करता है कि भाई ज्ञान को लेता है। किस तरीके से? एक तो होती है अकाउंटेंसी, ठीक है, लेखा शास्त्र, एक होती है व्यवसाय अध्ययन, और ऑप्शनल में आप रख सकते हो कंप्यूटर या इकोनॉमिक्स। तो आज मैं केवल व्यवसाय अध्ययन के बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है। 11th कॉमर्स में ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब बच्चा कॉमर्स के बारे में जानना चाहता है तो उसे ये भी तो याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि व्यवसाय होता क्या है, ठीक है। हमारे क्षेत्र में कई सारी दुकानें खुली रहती हैं, ठीक है, हमें पता है कि भाई ये दुकानें खुल रही हैं, बिजनेस है, परंतु बच्चे को एक तरीके से उनकी नींव का पता नहीं कि व्यवसाय किस तरीके से चलता है। ओके, तो आज मैं जो इसका चैप्टर है व्यवसाय की अवधारणा, उसके बारे में आपको बता रहा हूं, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको आगे लेके चलेंगे, इसको कि व्यवसाय कैसे होता है, ठीक है, एक व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाना चाहता हूं कि व्यवसाय क्या होता है। क्या होता है व्यवसाय में? इसे क्या माना गया है? एक मानवीय कार्य माना गया है। क्या माना गया है? इसे मानवीय कार्य। एग्जैक्टली क्या है ये मानवीय कार्य? भाई ये मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा ही तो किया जाता है, ठीक है, तो इसे मानवीय कार्य कहा गया है, ठीक है। हम दूसरी बात करते हैं इसमें, इसके अंतर्गत होता क्या है? वस्तु व सेवा का उत्पादन किया जाता है। जब भी कोई व्यवसाय हम कर रहे होते हैं तो हमें वस्तु और सेवा उसका क्या करना होता है? उत्पादन करना होता है। ओके, अब बात यही खत्म नहीं होती है कि भाई हमने गुड्स एंड सर्विस का क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, नहीं, अब क्या करना है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है इसमें? उसकी नेक्स्ट स्टेप होती है वस्तु सेवा का उत्पादन करके उनका वितरण करना। क्या करना? वितरण करना। अब ये तीन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन तैयार होती है कि व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय एक मानवीय कार्य है जिसके अंतर्गत वस्तु व सेवा का उत्पादन किया जाता है और वितरण किया जाता है। ओके, क्या होता है कि वस्तु, क्या होता है व्यवसाय? एक मानवीय प्रोसेस, एक ह्यूमन प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम प्रोडक्शन करते हैं, किसका? वस्तु का और सेवा का, और बाद में हम उनका क्या कर देते हैं? वितरण कर देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ये वितरण क्या होता है? तो वितरण होता है उसका क्रय विक्रय। ओके, अब आपके अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि सर इस चीज को क्लियर कर दो आपको कि वस्तु क्या है और सेवा किस तरीके से डिफरेंस होती है, इनका कैसे उत्पादन होता है। वस्तु क्या होती है? जिसे हम अपने दैनिक जीवन में यूज में लेते हैं, कोई भी चीज, जैसे फैन भी क्या वस्तु में मानी जाती है, कोई आप खाने पीने की चीजें हैं वो भी वस्तु में आती है, ठीक है। और साथ में सेवा क्या होती है? सेवा के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग, मतलब कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, जैसे कि आपका होटल है, ओके, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलती है वापस? सर्विस प्रोवाइड होती है आपको, ओके, तो वो होती है आपकी सेवा का क्षेत्र, और जहां पर आप वस्तु को खरीद कर अपने घर पर उपयोग में लेते हो वो कहलाती है वस्तु।
ओके तो भाई फॉर्मूला क्या हुआ इसका कि व्यवसाय कैसी प्रोसेस है, एक तरीके से ह्यूमन प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का और बाद में क्या किया जाता है उन्हें बेच दिया जाता है, ओके वितरण कर दिया जाता है, उनको खरीदा है बिक्री करना है, ये सारी प्रोसेस किसमें आती है व्यवसाय के अंतर्गत आती है, ओके अब सर इसका क्या ऐसा क्या मतलब इसका कारण क्या है ये प्रोसेस करने का, इस प्रोसेस को करने का कारण क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या होता है इसका, लाभ अर्जित करना, ओके हम व्यवसाय की इस प्रोसेस को क्यों अपनाते हैं जिससे हमें क्या हो सकता है लाभ हम कमा सकते हैं, ओके हम लाभ कमा सकते हैं। अब मैं आपको एक तरीके से क्लियर करता हूं कि हमारे दैनिक जीवन में हम दो तरीके की प्रोसेस करते हैं, ओके कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से हम कार्य करते हैं, एक तो हम कार्य करते हैं आर्थिक क्रिया का और एक कार्य होता है हमारा अनार्थिक क्रिया। हमने अपनी एक्टिविटी को दो भागों में डिवाइडेड किया है, एक तो इकोनॉमिकल और एक नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। हम अपने दैनिक जीवन में ये कार्य करते ही हैं, ठीक है कैसे करते हैं यदि हम सबसे पहले स्पष्ट करेंगे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के बदले में हमें क्या प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है। हम कार्य इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या मिले, पैसा मिले, ओके धन हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कार्य क्या कहलाते हैं आर्थिक क्रिया की कैटेगरी में रखे जाते हैं, ओके मैं केवल आपको क्लियर कर रहा हूं कि आपका जो व्यवसाय है वो कौन सी क्रिया में आता है। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूं आपको कि हमारे दैनिक जीवन में हम दो एक्टिविटी को करते हैं, पहली होती है इकोनॉमिकल और एक होती है नॉन इकोनॉमिकल, ओके अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या है जिसमें कार्य करेंगे हम, ठीक है प्लस हमें क्या मिलेगा, धन मिलेगा, ओके इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा, ओके यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, अब इसका अपोजिट है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है जिसमें हम कार्य तो कर रहे हैं पर हमें क्या रिसीव नहीं होता, धन प्राप्त नहीं होता, हमारा उद्देश्य ही नहीं है धन कमाना। एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं आपको, यदि आप किसी दुकान पर जाते हो, ठीक है और आपने कोई गुड्स, आपने मान लीजिए आपने एक पंखा खरीदा है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाली दुकान पर जा रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिक पे, आपको आपको क्या करना है परचेस करना है पंखा, तो आपको वो पंखा बेचेगा और उसके बदले में आपसे क्या लेगा, पैसा लेगा, ठीक है तो वो आपको जो पंखा बेच रहा है उसके बदले में उसको पैसा प्राप्त हो रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, आर्थिक क्रिया, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए आपके घर में आपकी माँ है, ठीक है आपको खाना बनाकर खिलाती है, क्या उसके बदले में आप उन्हें कोई धन देते हो, क्या नहीं देते ना। इनका उद्देश्य क्या है कि वो कोई कार्य किया गया है, प्रेम स्नेह के आधार पर किया जाता है, जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है वो कौन सी एक्टिविटी कहलाती है, अनार्थिक क्रिया, ओके तो ये क्लियर हो गया कि हम रेगुलर डे में ये दो एक्टिविटी से गुजरते हैं, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट होता है धन कमाना, ओके प्रॉफिट अर्न करना, जबकि अनार्थिक क्रिया है उसका उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना नहीं होता है, ओके अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सर ये बताइए कि अनार्थिक क्रिया में तो ऐसा कार्य आ गया जिसमें धन हम कमा नहीं रहे, तो ये बता दीजिए कि आर्थिक क्रियाएं होती कौन कौन सी है, किस उद्देश्य से हम पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आर्थिक क्रिया को डिवाइडेड कर देता हूं तीन पार्ट में, एक तो होता है
व्यवसाय, दूसरा होता है अपना रोजगार, तीसरा होता है पेशा। यदि हम ये तीन कार्य करते हैं ना, यदि हम ये तीन कार्य करते हैं तो हमें क्या मिलता है? धन अवश्य मिलता है। अब आप खुद ही देख लीजिए इसको। यदि आप व्यवसाय करते हो तो मैंने पहले ही बताया है कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो व्यवसाय के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, वस्तु व सेवा का उत्पादन करते हैं और उसे क्या कर देते हैं, वितरण कर देते हैं। ओके, जिससे हमें क्या हो जाता है, लाभ प्राप्त होता है। तो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं ये व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक क्रिया है या नहीं है? है ना, बिल्कुल। ओके, अब बात करते हैं हम रोजगार। रोजगार क्या है? यदि कोई व्यक्ति हमें क्या देता है, जॉब प्रोवाइड कराता है, हम किसी व्यक्ति के अंडर में कार्य करते हैं और उस कार्य के करने के बदले में हमें वो क्या देगा, वेतन देगा। क्या देगा? वेतन देगा। तो कार्य के बदले में उसको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। पर पैसा किस रूप में मिल रहा है उसे रोजगार करते समय? वेतन के रूप में। तो ये भी क्या एक्टिविटी इकोनॉमिकल नहीं हुई क्या? बिल्कुल हुई। अब बात करते हैं पेशा, प्रोफेशनल की बात करते हैं। किसी कार्य में आपको बहुत ज्यादा अनुभव ज्ञान प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, ठीक है, तो क्या होता है वो अपने ज्ञान के बदले में आपसे पैसा लेते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर क्या लेता है आपसे? फीस लेता है। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल, फीस लेगा ना, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहां पर अपने तीनों कैटेगरी में बांटा इकोनॉमिकल एक्टिविटी को। यदि हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा जो आ रहा है वो लाभ के रूप में आ रहा है। हम यदि रोजगार के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा वेतन के रूप में आ रहा है। यदि हम किसी पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो हमारे पास वो फीस के रूप में पैसा आ रहा है। पर पैसा आता है, हम कोई भी कार्य कर रहे हो पैसा आ रहा है तो हम कह सकते हैं वो कौन सी क्रिया कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं। और अनार्थिक क्रिया तो बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। अनार्थिक क्रिया कौन सी होती है? कि हम कोई भी कार्य कर ले जिसका उद्देश्य हमारा पैसा कमाना नहीं होता है, तो वो कौन सी होती है? अनार्थिक क्रिया। ओके, अब यहां पर ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई, आपको ये पता चल गया ना कि व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक क्रिया है, आप कह सकते हो ना इसको। हमने देखा ना आर्थिक क्रिया में व्यवसाय को भी लिखा गया है, तो व्यवसाय क्या है? आर्थिक क्रिया है। ओके, मैंने आपको बिल्कुल इसको अच्छे से समझा दिया, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होती तो मैं आपसे कह सकता हूं कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। हम इस तरीके से, और एक और चीज, ये व्यवसाय क्या करता है? समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। ये सारी लाइनें आपकी डेफिनेशन के अंतर्गत है। अब आप बहुत अच्छे से समझो इसको एक बार और, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं कि व्यवसाय क्या होता है, बिजनेस होता क्या है। बिजनेस होता है, बिजनेस को कौन सी प्रोसेस माना है? बिजनेस को मानवीय कार्य माना गया है, जिसके अंतर्गत वे वस्तु व सेवा का उत्पादन करके उनका क्या करते हैं, वितरण करते हैं। वितरण से मतलब समझते हो ना, क्रय और विक्रय करते हैं। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना होता है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है और यह समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट भी करता है। ओके,
तो ये व्यवसाय की डेफिनेशन हुई जिसे हमने अलग तरीके से इसको समझने का प्रयास किया। मैं कहता हूँ कि कॉमर्स में बिजनेस स्टडी जो हमारी ये सब्जेक्ट है व्यवसाय अध्ययन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। थ्योरिकल बेस पर आपकी नॉलेज को ग्रोथ करने के लिए आपकी सब्जेक्ट कार्य करती है, ठीक है, आपको आगे के लिए भाई प्रेरित मतलब इस तरीके से मोटिवेट करती है कि आपको कार्य कौन सा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। ये सारा नॉलेज आपको व्यवसाय अध्ययन की इस सब्जेक्ट मतलब जो है व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आपको डीपली इस चीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। आपने अभी नॉर्मली देखा है कि आपके आसपास के दुकानदार होते हैं, ठीक है, कुछ दुकानदार सक्सेस हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं अपनी दुकानों में। क्यों? क्योंकि उनको व्यवसाय का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि व्यवसाय किस तरीके से करना चाहिए। इसलिए 100 में से 90% लोग क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं और 10% सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम कोई काम करें और हमने कॉमर्स लिया है और हमको बिजनेस के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो हम अपना बिजनेस अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको इसी कार्य के लिए प्रेरित करती है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं इसकी विशेषता पर कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक बिजनेस में। विशेषता की बात कर लेते हैं, व्यवसाय की विशेषता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। व्यवसाय की विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहले व्यवसाय की विशेषता में आता है जो आपको भी पता है वो है व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। आप लोग भी इस बात से एग्री हो कि भाई आपने किसी जानवर को व्यवसाय करते थोड़ी देखा है? नहीं देखा ना, कौन करता है? एक इंसान ही तो व्यवसाय कर सकता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि व्यवसाय क्या है, एक मानवीय क्रिया है। ओके, इसे स्टार्ट भी बिजनेस को मानवीय करता है और स्टॉप भी इसका बंद भी क्लोज भी मानवीय करता है, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं इसमें कि जोखिम और साहस, जोखिम और साहस, जोखिम और साहस, ये दो एलिमेंट, ये दो तत्व होना बहुत जरूरी है। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे जोखिम उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। कैसे? यदि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब आप देखिए कि ये दोनों तत्व किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। ओके, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, इट इज नॉट मैटर, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, अब आपको रिस्क तो होती है ना, रिस्क तो होती है कि भाई ये बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा। मैं अपना समय अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, हमें मुझे प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं होगा, ये बातें आपके दिमाग में चलती है, बिल्कुल ऑब्वियसली चलेगी ये बातें, ठीक है। तो आप बिजनेस कर रहे हो तो जोखिम उठाओ, ये कॉमर्स के अकॉर्डिंग बोला गया है कि भाई आप यदि रिस्क नहीं लेते हो तो आप बिजनेस ही नहीं कर सकते, तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में यदि आपको मान लीजिए आपको एक साल दो साल कुछ जोखिम उठानी पड़ती है, आपको लॉस भी होता है, तो आपके अंतर्गत ये तत्व भी होना चाहिए साहस कि आप उस बिजनेस पर पेशेंस बनाए रखें और उस बिजनेस को कंटिन्यू चलाते रहे। आज नहीं तो कल वो बिजनेस आपका सक्सेसफुल होता है। तो आपको ये दो चीजों को ध्यान रखना है कि जोखिम और साहस, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना ही होगा। लिखा भी गया है कि बिना जोखिम के ना लाभ नहीं होता, बिना जोखिम के लाभ नहीं होता, बिना साहस के व्यवसाय सफल नहीं होता, ठीक है, ये कहा जाता है इसमें।
अब मैं बात करता हूं इसकी तीसरी विशेषता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु व सेवा का उत्पादन। कोई बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस में मैंने पहले ही बोला है कि आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आप बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वस्तु को तैयार करोगे, उसके बाद मार्केट में बेचोगे, यही तो ऑल ओवर क्या होता है, ये प्रोसेस तो बिजनेस कहलाती है, ठीक है। आप वस्तु सेवा का निर्माण ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपको इस व्यवसाय की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, आप वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करें और साथ में उनका क्या करें, मैंने आपको पहले ही बताया, वितरण करें। आपने वस्तु व सेवा का निर्माण कर लिया पर आप उसे बेच ही नहीं रहे, आप दूर से कच्चा माल लेके नहीं आ रहे, उसे पक्के में कन्वर्ट नहीं कर रहे, उसे सेलिंग भी नहीं कर रहे, तो क्या मैं इसे बिजनेस कहूंगा क्या? बिल्कुल नहीं कहूंगा। तो बिजनेस का क्या होता है कार्य, वस्तु व सेवाओं का निर्माण करो और उसके बाद उसे मार्केट में क्या करो, सेल करो, ठीक है, यही होता है ना। हम पहली प्रोसेस क्या होती है, रॉ मटेरियल लाते हैं, कच्चा माल आते हैं, उसे पक्के में परिवर्तित करते हैं, उत्पादन करते हैं और उसके बाद उन्हें बेचते हैं, ठीक है। तो खरीदना बेचना सारा चलता रहता है इसमें, और आप ऐसा काम नहीं करोगे तो इसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। तो याद रखना कि तीसरी विशेषता है कि आप यदि बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की विशेषताओं में आती कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, बेच। अब बात करते हैं आगे, व्यवहारों में निरंतरता, कॉन्टिन्यूअल लेवल पर आपको इस कार्य को करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर लिया, एक दिन बेच दिया तो उसे बिजनेस थोड़ी कहेंगे, आपको कंटिन्यू लेवल पर इसको करना पड़ेगा। आप मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स की क्लास में पढ़ रहे हो, आपके काफी सारे दोस्त हैं, एक दोस्त ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी वॉच पहन के आ गया, बहुत ही अच्छी, ठीक है, और आपको वो वॉच अच्छी भी लगी, क्या लगा आपको वो वॉच अच्छी भी लगी, ठीक है, तो क्या होगा, आप उससे बोलोगे कि आप मुझे ये वॉच बेच सकते हो क्या, ठीक है। उस लड़के ने बोला ओके, मैंने इसे 400 रुपए में खरीदी है, मैं आपको इसे 450 में बेचूंगा, और वो आप उस चीज को खरीदने के लिए एग्री हो गए। तो आप बोलोगे सर ये भी तो बिजनेस ही हुआ, उसने 50 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, पर नहीं, ये बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस जब करते हैं तो उनकी व्यवहार लेन देन में क्या होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। वस्तु सेवाओं का उत्पादन आप बार बार करोगे, उन्हें बार बार सेल भी करोगे, ओके, तो व्यवहारों में क्या होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, ओके। केवल एक बार आपने किसी वस्तु को बेच दिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, इसे बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रख सकते, आपको कंटिन्यू लेवल पर आपको इस काम को लगातार तरीके से करना है, डेली आपको वस्तु सेवाओं का निर्माण करना है, वस्तु सेवाओं को डेली बेचना है, वो ही क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी विशेषता पर, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन। अब उपयोगिता का सृजन हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो ये कि आप जो वस्तु तैयार कर रहे हो वो सामने वाले जो भी कस्टमर है, ग्राहक है, उनके लिए क्या हो, उपयोगी साबित हो। यदि आप, मैं कोई गलत चीज का उत्पादन कर रहा हूं, उसे बेच रहा हूं, जिससे कस्टमर जो ग्राहक है उन्हें क्या होता है, लॉस होता है, तो क्या वो वस्तु खरीदेंगे क्या? हमें वस्तु कैसे तैयार करनी है जिससे क्या होगा कि वो वस्तु खरीदे और उसे उस वस्तु की यूटिलाइज करे, वो अच्छे से उसके जीवन लाइफ में काम आए, तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए मुझे। दूसरी बात उपयोगिता के सृजन में दूसरी बात आती है, समय और स्थान और अधिकार की, समय स्थान और अधिकार की, किस किस की, समय
स्थान और अधिकार। आप कोई कार्य कर रहे हो, वस्तु सेवाओं का निर्माण कर रहे हो, आप उसे बेच रहे हो, तो जब कस्टमर उस ग्राहक उस चीज को मांगे उस समय उस वस्तु का होना जरूरी होता है, सही स्थान पर उसकी उपयोगिता हो जानी चाहिए और उसे ग्राहक को अच्छा अधिकार भी प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यही तो होती है उपयोगिता का सृजन। आप किसी दुकान पर जाते हो, ठीक है, आपको पंखा खरीदना है, आप लेने गए और आपको पंखे वाला कह रहा है जो दुकानदार है कि आज नहीं, आप दिसंबर में जाके लेके जाना। भाई जब तो क्या है जो समर टाइम था वो तो निकल गया, ठीक है, तो उस टाइम क्या यूटिलाइज उस चीज का, तो आपको क्या करना है, समय पर उस चीज को प्रोवाइड कराना पड़ेगा ग्राहक को, ठीक है, यही तो बिजनेस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं उसमें उपयोगिता का सृजन के बाद उद्योग में व्यापार संबंधी क्रियाओं का, उद्योग में व्यापार संबंधी क्रिया का समावेश, ठीक है। अब क्या होता है कि पूरे व्यवसाय के अंदर उद्योग को भी समावेश कर सकते हैं, व्यापार को भी समावेश कर सकते हैं। अब कैसे, उद्योग में तो क्या होता है वस्तु सेवाओं का निर्माण हो जाएगा और ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम वस्तुओं को सेल कर देंगे, तो ये दोनों क्रियाएं दोनों एक्टिविटी हमारे व्यवसाय के अंदर होती है। याद रखना कि व्यवसाय और व्यापार ये दोनों ही तरीके से डिफरेंस होते हैं। व्यवसाय में तो क्या होगा, आप वस्तु का निर्माण भी करोगे और उसे बेचोगे भी, ठीक है, और जबकि क्या होगा व्यापार में आप उसका केवल क्रय और विक्रय करोगे, तो डिफरेंस है या नहीं है, ओके। तो याद रखना ये व्यवसाय की विशेषताएं होती है। पहली कौन सी है, कैसी प्रोसेस है, ह्यूमन प्रोसेस है, ठीक है, उसको बियरिंग रिस्क करना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है करियर से रिलेटेड, उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, और आपको कंटिन्यू लेवल पर उसको माल को बेचना भी पड़ेगा, ओके, यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए भाई, टाइमिंग को उस वस्तु को प्रोवाइड कराते स्थान पर और अधिकार उससे अच्छा मिल जाए, ओके। तो अभी के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।